हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे BRE वर्सेस JIB फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि ब्रेसियासेसी वर्सेस जिन्ना ब्रेसिया के बीच जो मैच नंबर 3 खेला जाना है। 4 जुलाई को यह मैच स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे से। ECS T10 ब्रेसिया की ये सीरीज चल रही है। वेन्यू जो रहेगा JCC ब्रेसिया क्रिकेट ग्राउंड का रहेगा, जो कि ब्रेसिया में है। अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और टॉप के कमेंट में भी हमारा लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। बात करें पहले ब्रेसियासेसी की, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको मैं बताया हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, तो शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ। इमाद खान ओपनिंग करेंगे, आप देख सकते हैं। ओपन आके बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों किए हैं, बल्कि गेंदबाजी थोड़ी कम करते हैं, पर बल्लेबाजी में ओपन आ सकते हैं और ओपन अभी तक ACS की सीरीज में किए हैं। बात करें ACL 2022 की, तो यहाँ भी उन्होंने ओपन किए हैं और 3 डाउन से आपको 4 डाउन भी बल्लेबाजी किए हैं। तो अच्छे खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, आपको एडवांटेज रहेगा बॉलिंग करके देने का। यासिर दुल्लू जो कि ओपन आने चाहिए, बहुत ही कम सिलेक्शन है, राइट हैंड बैट्समैन है, कभी कभी विकेट कीपिंग करते हैं, ओपन ही आएंगे। जहाँ तक इनका ECS में और ECL में दोनों जगह इन्होंने ओपन किया है, बिल्कुल आप इनको ले सकते हैं। अगर विकेट कीपिंग करें तो कैचिंग और विकेट के स्टंपिंग का एडवांटेज भी रहेगा, तो बिल्कुल आप इनको ले सकते हैं, ओपन आएंगे। 2022 ODD में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। T20 में भी इनका हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है, शतक भी किया है 46 गेंदों में। बात करें साजिद खान आफरीदी, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, बहुत ही अच्छी पिक रहेगी, गेम चेंजर पिक रहेगी। CBC आप बिल्कुल इनको डायरेक्टली कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ओपन भी आए हैं, 2 डाउन भी आए हैं। ओपन आके 2 मैचेस में 78 और 70 रन किए हैं, बाकी आपको 1 से 2 ओवर भी गेंदबाजी दे सकते हैं और ओपनिंग गेंदबाजी भी कर लेते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल आप इनको ट्राई कर सकते हैं। T10 के मैचेस 2021 में खेले हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी भी किए हैं और 3 डाउन आके 2 रन भी बनाए थे, तो बहुत अच्छे पिक है, आप बिल्कुल इनको CBC करके जा सकते हैं। 2018 T10 में भी आप T20 में देख सकते हैं, 10 मैचेस खेले हैं, 297 रन, स्ट्राइक रेट देख लीजिए 200 का है, 17 छक्के 17 चौके की मदद से इन्होंने 297 रन बनाए थे। ओवर 34 ओवर डाल के 9 विकेट लिए थे 10 मैच में, 9 विकेट, इकोनॉमी 6.5 का रहा है। ODD में 482 रन बनाए हैं और 29 विकेट चटकाए हैं 8 मैचेस में। बात करें और एक गेम चेंजर पिक की, अगर ये खेलेंगे तो ये भी ओपन आ सकते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा, बल्ले गेंदबाजी बहुत कम करते हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करके देंगे। ECL 2021 में आप देख सकते हैं ओपन बल्लेबाजी किए हैं, एवरेज सही रिकॉर्ड रहा है, बल्कि जिस मैच में चलते हैं तो 200 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा के रन बनाते हैं, 54 43 25 38, आप देख सकते हैं कि 17 12 13 15 गेंदों में इन्होंने ये सारी बनाए हैं। ECS 2020 की बात करें तो 30 रन 1 रन 21 29, तो एक खिलाड़ी भी आपके लिए गेम चेंजर पिक हो सकती है, आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बात करें अली राजा इस्लाम की, तो इनके बिना तो बिल्कुल टीम अधूरी रहेगी, आप इनको बिल्कुल लीजिए और CBC बिल्कुल ट्राई करके जाइए, सिलेक्शन भी ज़्यादा है, लोग इसे ही CBC कर रहे हैं। पर मैंने बताया साजिद खान आफरीदी आपके लिए बहुत अच्छे CBC होंगे, क्योंकि आपको डिफरेंटल जाना पड़ेगा, तभी आप GL जीत सकते हैं। GL में रैंक अच्छी लानी है तो आपको डिफरेंशियल जाना पड़ेगा। ECS में आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आप ECL में जो 2022 में फरवरी महीने में खेला गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ओपन भी किया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों की हैं और आप देख सकते हैं कि इन्होंने डेथ ओवर में भी गेंदबाजी किए हैं, तो बिल्कुल आप इनको CBC करके जाइएगा अली राजा इस्लाम को। एहसान अकबर ट्राइबल रहेंगे, ECL में खेले हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर मैच में नॉट आउट रहे हैं, कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला है, अगर इन्हें मौका मिलता है 3 से 4 डाउन तो ये अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आपके लिए गेम चेंजर पिक होगी। बात करें कलब सज्जाद की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड लेग ब्रेक बॉलिंग करके देंगे आपको, 3 से 1 से आपको 6 डाउन तक के बीच में ये बैटिंग करते दिख जाएंगे, या प्लेइंग लिस्ट आने के बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, और 1 से 2 ओवर आपको गेंदबाजी करके दे सकते हैं। स्पिनर का आपको सीन पता ही है, लेंगे तो 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट लेके जाएंगे, वरना विकेट लेस भी जा सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, इनकी इकोनॉमी माइनस भी हो सकती है। बात करें ECL 2022 की, तो आप देख सकते हैं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर में कर रहे थे और गेंदबाजी मिडिल ऑर्डर में 7वां और 8वां एक आध ओवर डाल देते थे, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं इसे भी। CBC ज़्यादा ट्राई करने नहीं कहूँगा, बल्कि आप इनको टीम में जरूर रख सकते हैं। 2022 ODD का भी आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, 22 रन नॉट आउट, 10 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट लिए, तो कुछ इस तरीके से है, आप बिल्कुल इनको देख के जा सकते हैं, इससे आपको हालिया फॉर्म का पता चल जाएगा। बात करें नावेद चौधरी की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, 42 साल इनकी एज, ऑफ स्पिन तो अभी तक बॉलिंग नहीं किए हैं, सिर्फ कभी कभी विकेट कीपिंग भी करते हैं नावेद चौधरी, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ खासा एवरेज रिकॉर्ड नहीं रखा है, बल्कि आप देखेंगे तो पहले मैच में इनका सिलेक्शन बहुत ही हाई है और
लोग इन्हें ले रहे हैं, पता नहीं क्यों ले रहे हैं। आप बिल्कुल इनको छोड़ के जा सकते हैं, एवरेज हाई रिकॉर्ड है 5, 4 से 6 डाउन 7 डाउन आते हैं, कुछ खासा रिकॉर्ड है नहीं, बिल्कुल आप इनको छोड़ के जा सकते हैं, 90% के लगभग सिलेक्शन है। बात करें रिजवान मोहम्मद की, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म लेग स्पिन इनका रोल है, इसी 2020 में 2 मैचेस खेले हैं, कुछ खास किया नहीं है, 4 गेंद में 12 रन 5 डाउन आ गए। मोहम्मद साकिब राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, इसी 2021 में आप देख सकते हैं 8 डाउन आ गए 10 रन 12 गेंदों में। इसी 2020 में भी आप देख सकते हैं कि कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। बसर खान जो कि एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, इनके बिना टीम अधूरी रहेगी, आप इनको जरूर टीम में रखने की कोशिश कीजिएगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी आपको देंगे। 2022 ACL में भी आप देख सकते हैं 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करने आते थे। ODD का भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। बात करें इमरान नावेद की, जो कि बहुत ही कम सिलेक्शन है, ये कभी कभी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी करते हैं इमरान नावेद, ये आपको मिल जाएंगे बॉलिंग ऑप्शन में इमरान नावेद, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, 34 इनकी एज है, 2 ओवर की सिलेक्शन बहुत ही कम है, 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे और ये 1 ओवर डेथ में डालेंगे और मिडिल में डालेंगे, इस तरह कुछ गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छे पिक है, आप इनको बिल्कुल टीम में ट्राई कर सकते हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी लगभग देनी चाहिए। और एक बॉलर मोहम्मद जावेद, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, 37 इनकी एज है, आप देख सकते हैं 2 ओवर की गेंदबाजी हर एक मैच में किए हैं। इनका क्या सीन रहता है कि पहला और तीसरा या दूसरा चौथा कुछ इस तरह से ओवर करेंगे और चले जाएंगे, तो आप बिल्कुल इनको भी, अगर सामने की टीम कमज़ोर है तो बिल्कुल आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मोहम्मद जावेद को अगर सामने की टीम अगर वीक लग रही है तो आप पहले तीसरे ओवर के लिए अगर विकेट दे रहे हैं तो आपको मोहम्मद जावेद को लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करें कि आप अगर मोहम्मद जावेद को ले रहे हैं तो आपको ओपनिंग बल्लेबाज एकादि आपको छोड़ने पड़ेंगे, और अगर आप बल्लेबाज उठा रहे हैं तो मोहम्मद जावेद को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाइएगा GL में। बात करें नसीर हुसैन की, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपिंग करते हैं, ये सिर्फ आपको विकेट कीपिंग ही करके देंगे, क्योंकि ये इनके गेंदबाज पहले आ जाएंगे और ये बाद में आएंगे, और ये आपको विकेट कीपिंग के ऑप्शन में मिलेंगे। नसीर हुसैन को आप देख लीजिए, ECC 2021 हो या 2020 हो, अभी तक बल्लेबाजी किए ही नहीं है और विकेट कीपिंग अच्छे करते हैं, इसलिए इनको टीम में खिलाया जाता है। बात करें कमरान मोहम्मद की, राइट आर्म फास्ट, इनका स्टेटस हमारे पास अवेलेबल है, डाउटफुल है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। समझा, राइट हैंड बैट्समैन, 11 मई को इनके EH क्लब से जुड़े थे, अंडर 23 प्लेयर है फारूक खान, और जिसन खान का हमें कोई स्टेट्स अभी अवेलेबल नहीं हुआ, अगर होता है, अगर ये खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में देने की कोशिश करूंगा। बात करें जो नई टीम खेलेगी इनके साथ, जिन्ना बेरेसिया जो कि इनके तरफ से ओपन आ सकते हैं, निसार अहमद विकेट कीपर हैं, जो कि आपको बैटिंग सेक्शन में बहुत ही कम सिलेक्शन में है, आप बिल्कुल इनको GL SL में सब जगह ट्राई कर सकते हैं, ये ओपन ही करेंगे, 41 इनकी एज है, तो आप देख सकते हैं ECS में 53, 54, 94, 33 गेंद में 18 इस तरह से कुछ बनाए हैं, तो आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही लेस सिलेक्शन है, 10% से भी कम सिलेक्शन है। ECS 2021 में भी आप देख सकते, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ECS की इनकी 2 सीरीज हुई थी, 1 अप्रैल में खेला गया था, 1 नवंबर में, तो जो ऊपर है वो नवंबर का है, जो अप्रैल में खेला गया है वहाँ पर मैंने APR लिख दिया है, इससे आपको समझ में आए कि ये अप्रैल का है, तो अप्रैल में भी आप देख सकते हैं ओपन किए हैं। बात करें ECC की, तो ECC में भी आप देख सकते हैं कि ओपन आते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गेम चेंजर पिक होगी, जो कि कंफर्म है कि ओपन आएंगे, और मात्र अभी 3% सिलेक्शन है ड्रीम इलेवन पे, आप बिल्कुल इनको तीसरे मैच में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ODD में भी आप देख सकते हैं 34-36 गेंदों की है, और एक अच्छी पिक है शाहरुख नवाज, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, पर बॉलिंग अभी तक नहीं की है, ये भी इनके साथ ओपन आने चाहिए, आप देख सकते हैं 20 रन 42 रन 36 रन इस तरह कुछ किए हैं, 41 रन, और जो कि 150 से 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन किए। 2020 में आप देख लीजिए ECS में 90 रन बनाए हैं 32 गेंदों में नॉट आउट, और एक मैच में 54 रन 21 गेंदों में, मैच तो 4-5 खेले थे, बल्कि मैंने आपको 2 मैचेस दिखाए हैं कि इन्होंने अच्छे खेले थे, वो मैचेस मैंने दिखाए। 2022 ODD पे भी आप देख सकते हैं। बात करें और एक कम सिलेक्शन की, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएगा, फाहिम नज़ीर, अगर ये खेलते हैं तो कभी कभी ओपन भी आ जाते हैं, लगभग ज़्यादातर मैच में ओपन ही आया, अगर ये खेलेंगे तो ओपनिंग बल्लेबाज इनके तरफ बहुत सारे हैं, तो देखिए कौन कौन खेलते हैं, उस हिसाब से प्लेइंग 11 के हिसाब से मैं आपको टीम प्रोवाइड करूँगा। आप देख लीजिए कि ओपन आया है 14 रन, बल्लेबाजी से तो कुछ खास नहीं किए हैं, एक मैच को अगर छोड़े तो एक मैच में 37 रन 16 गेंदों में, बाकी मैचेस में ओपनिंग गेंदबाजी भी किए हैं, 1 से 2 ओवर गेंदबाजी भी दे देंगे, और ओपन एक से आपको 1 से लेकर 5 डाउन 4 डाउन तक बल्लेबाजी भी दे सकते हैं, तो ये भी आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेगा, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करके देंगे। बात करें और एक गेम चेंजर पिक की, जनकावास, जो कि आपको बैटिंग ऑप्शन में मिलेगा, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, बड़े प्लेयर है, ECS 2021 में खेले हैं, 2 मैचेस खेले थे,
वहाँ पे सेवन डाउन बल्लेबाजी करने आते थे और दो ओवर की गेंदबाजी की, दो दो ओवर की दोनों मैच में गेंदबाजी किए थे, ओपनिंग गेंदबाजी करने आ जाते हैं। बात करें ACS अप्रैल महीने में, जो इन्होंने नवंबर महीने में नहीं खेले थे, अप्रैल महीने में ACS के खेले थे 2021 में। अब देख सकते हैं यहाँ पे ओपन भी आए हैं, वन डाउन भी आए हैं और टू डाउन भी आए हैं। अब बल्लेबाजी किए हैं, एक मैच में इन्होंने 60 रन 22 गेंदों में किए हैं, बाकी मैचेस में इनकी दो ओवर की गेंदबाजी आई है, बाकी कुछ मैचेस में उनको बॉलिंग नहीं मिला है, एक मैच में एक ओवर मिले हैं और 3 विकेट और 4 विकेट भी चटकाए हुए हैं, दो मैचेस में ओपनिंग गेंदबाजी की है। तो ये भी आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेगी। आप इनको डायरेक्टली अगर प्लेइंग 11 में इनकी नाम ऊपर आती है, 1 से 4 डाउन तक आती है, तो CBC करके जा सकते हैं। बात करें ACC 2021 की, तो इन्होंने हर एक मैच में 1 से 2 ओवर गेंदबाजी किए हैं और ओपनिंग गेंदबाजी भी करने आ जाते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं हसन अहमद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म लेग स्पिन, बॉलिंग तो नहीं करते हैं, विकेट कीपिंग करके देंगे, इनका भी शायद सिलेक्शन कम है, आप देख लीजिएगा ड्रीम इलेवन पे। इसी 2021 में आप देख सकते हैं वन डाउन से टू डाउन आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे, एक मैच में 50 रन 50 भी किए हैं, बाकी मैचेस में एवरेज सा ही रिकॉर्ड है। बात करें अप्रैल महीने में जो खेला गया था T10 की सीरीज, उसमें 1 डाउन ही आते थे, एक मैच में 2 मैच में 2 डाउन आए हैं और एवरेज सा ही रिकॉर्ड रखते हैं, 51 39 33 33। तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं GL में। बात करें ACC 2021 में, तो आपको बताया था कि ये बड़े टूर्नामेंट है, यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी और भी रहते हैं, इसलिए कम चांस मिलता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने 37 रन 13 गेंदों में नॉट आउट, जो कि अच्छे खेले हैं, 22 रन 17 गेंदों में नॉट आउट, अब बाकी एवरेज सही रिकॉर्ड है। बात करें हसनत अहमद की, जिनका सिलेक्शन बहुत ही हाई है, राइट आर्म ऑफ स्पिन, कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, किसी मैच में नहीं भी करते हैं। इसी 2021 में आप देख सकते हैं 54 रन 23 गेंदों में, 12 3 गेंदों में 9 4 गेंदों में, 2 ओवर की गेंदबाजी की है एक मैच में, 1 विकेट और 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 30 रन दिए हैं, ओपनिंग गेंदबाजी करने आए थे, एक मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। तो बिल्कुल आप इनको ट्राई कर सकते हैं, मैं ज़्यादा इनको लेना नहीं कहूँगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन ज़्यादा है, इससे भी अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन में उपलब्ध हैं। बात करें मुबस्सर हुसैन की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म सोलो, 29 साल इनकी एज है। इसी 2021 में आप देख सकते हैं कि 4 डाउन से 2 डाउन आते थे बल्लेबाजी करने, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, बिल्कुल आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। इसी 2021 में भी कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, 2 मैचेस में 1-1 ओवर गेंदबाजी किए हैं, 1-1 विकेट चटकाए, ODD में भी इन्होंने 8 ओवर की गेंदबाजी की है, 2 विकेट चटकाए। बात करें मोहम्मद इमरान की, जो कि बहुत ही कम सिलेक्शन है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे आपको, जो कि फिनिशिंग के रोल में दिखेंगे और ये आपको 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म देंगे, ओपनिंग गेंदबाजी करने आते हैं, राइट आर्म फास्ट, 45 इनकी एज है, बिल्कुल अच्छे पिक है, इग्नोर मत कीजिएगा इनको, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं GL में और हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। इसी 2021 में भी आप देख सकते हैं, जो कि बड़ा टूर्नामेंट है ACN नेटवर्क का, यहाँ भी इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, तो बहुत अच्छे गेंदबाज है, आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं, आप इनका स्टेट्स देख सकते हैं। बात करें 2022 ODD की, तो यहाँ भी इन्होंने 1 डाउन बल्लेबाजी भी किए हैं, 10 ओवर और 6 ओवर की गेंदबाजी भी दिए हैं और T20 की बात करें तो 26 रन 19 गेंदों में प्लस 4 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट चटका है। बात करें सादात अली की, तो इन्हें सिक्सर किंग भी कहा जाता है, ये जितने मैच ECS में खेले हैं इनके जितने रन हैं बहुत ही कम रन मिलेंगे, हाइस्ट रन इनका 12 रन ही मिलेगा, पर 5 गेंद में 12 रन जो है इनमें इन्होंने 2 छक्के किए हैं, 5 गेंद में 7 रन जो है इनमें 1 छक्के ही लगाए हैं और 2 गेंद में जो 12 रन है इनमें इन्होंने 2 छक्के ही लगाए। तो ये जितने भी गेंद खेलेंगे, अगर ये लंबी पारी खेल लेते हैं और अगर पहले 1 से 2 डाउन या 3 डाउन में अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, तो आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, पावर हिटर है। 2022 T20 का भी आप देख सकते हैं 52 रन 26 गेंदों में और 19 रन 10 गेंदों में, तो ये 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग खेलेंगे, अगर इनका बल्ला चल गया तो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, बिल्कुल आप इनको GL में ट्राई कीजिएगा। बात करें सुलेमान अली की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, ये भी अच्छे पिक है, जो कि आपको शायद ऑलराउंडर या बॉलिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, सिलेक्शन शायद कम है, ये भी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, आप देख सकते हैं 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट इस तरह से चटका के आए हुए हैं इसी 2021 में। 2022 T20 में 4 ओवर 13 रन 4 विकेट चटकाए हुए हैं। बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो इसी 2021 में आपको 1 डाउन से 5 डाउन बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे, एवरेज हाई रिकॉर्ड है। इसी जो अप्रैल महीने हुए थे वहाँ भी एवरेज हाई रिकॉर्ड है, 1 ओवर 1 मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे 0 विकेट। 2022 ODD में आप देख सकते हैं कि 6 ओवर करके 1 विकेट और 34 रन भी उस मैच में बनाए थे, T20 में 24 29, तो एवरेज रिकॉर्ड है। चरित्र फर्नांडो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, ECS अप्रैल महीने में जो खेले गए मैच है इनमें एवरेज सारी रिकॉर्ड किया है, 2 मैचेस में 1-1 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, 3 विकेट चटका है। बात करें सुखविंदर सिंह की, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करेंगे, जो कि एक अच्छी पिक हो सकती है, आप इनका भी सिलेक्शन कब मिलेगा, ECS 2021 में आप देख सकते हैं 2 ओवर की अपनी गेंदबाजी पूरे किए हैं, 2 मैचेस को अगर छोड़ दे तो, बाकी अप्रैल के महीने में भी इन्होंने
अच्छी गेंदबाजी किए हैं, विकेट इन्होंने एक मैच में तो 5 विकेट भी T10 में ले चुके हैं, तो बहुत अच्छे पिक रहेंगे। सिलेक्शन बहुत कम है। सुखविंदर सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट, ऐसे भी लेफ्ट आर्म बॉलर बहुत अच्छे कर सकते हैं। 2022 T20 में 4 ओवर 14 रन 2 विकेट। बात करें रुखसार अहमद की, यह भी अच्छी पिक हो सकती है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 41 रन एज है, 2 ओवर की गेंदबाजी, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे सकते हैं, बट इनका कभी कभी ओवर बिल्कुल ही कट जाता है, तो 1 से 2 विकेट चटका सकते हैं। एक मैच में इन्होंने 3 विकेट भी चटकाया, बिल्कुल स्टेट्स देख सकते हैं। अप्रैल के महीने में भी इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, बाकी कुछ मैचेस में इनके ओवर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, तो आप बिल्कुल इनको ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, GL में थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, मैं ज़्यादा इनको लेने नहीं कहूँगा। बात करें रिजवान तनवीर की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, अभी तक तो कुछ खास नहीं किए हैं इसी 2021 में, तो इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बात करें हमीद नसीर की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 2022 ODD का रिकॉर्ड मिला जिनमें इन्होंने 6 डाउन आकर 4 रन, 2022 T20 में 30-31 गेंदों में 22-20 गेंदों में 18-16 गेंदों में नॉट आउट, 19-35 गेंदों में 1 डाउन, 23-28 गेंदों में। बात करें अली राजा कैसर की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, इस 2021 में 1 मैच खेले हैं, 1 ओवर किए हैं, 19 रन देके विकेट लेस गए हैं। गुलाम फरीद, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, यंग प्लेयर है, 2 ओवर की गेंदबाजी अपने 4 मैचेस में दिए है, बाकी मैचेस में बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला है, 3 विकेट चटकाए हैं इन्होंने। ODD की बात करें तो 1 ही ओवर करने का मौका मिला था, T20 में इन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी किए थे लगभग, 21 रन 2 विकेट दिए थे, तो ट्राई कर सकते हैं थोड़ी बहुत। हसन अली जो कि इनके तरफ से मैं कहूँगा कि यंग प्लेयर ये भी है, और 1 से 2 ओवर आपको गेंदबाजी दे सकते हैं, कुछ खासा नहीं है, एवरेज सा ही रिकॉर्ड है, बल्कि ODD में आप देखेंगे तो 4 विकेट लेकर आए हैं और 2 विकेट 1 मैचेस में लेकर आए हैं। बात करें हमजा इश्तियाक की, तो ये अच्छे बॉलर हैं, ये भी यंग ही प्लेयर है, 2 ओवर की गेंदबाजी कर लेते हैं 1 से 2 ओवर, तो ये तीनों प्लेयर एवरेज से ही रिकॉर्ड रखते हैं, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। बात करें एक अच्छे प्लेयर की, बॉलिंग सेक्शन में आपको मिलेगा फैसल सब्बीर, जिनका सिलेक्शन ठीक ठाक सही है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करके देंगे, अपने ओवर के सारे मैचेस में 2-2 ओवर किए हैं, एक मैच को छोड़ दे तो सारे मैच में 2-2 ओवर किए हैं, और विकेट लेस ज़्यादातर जाते हैं, विकेट ज़्यादा नहीं मिलता इनको, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करके देंगे, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। बात करें मोहम्मद सज्जाद की, राइट हैंड बैट्समैन है, जो कि ECS अप्रैल के महीने में जो खेले गए थे, 1 ओवर की गेंदबाजी किए हैं 2 मैचेस में, और कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। बात करें शाहरुख अहमद बट की, तो कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, अब देख सकते हैं कि ECS 2020 में इन्होंने 6 डाउन आके 0 रन किए थे, बाकी 2 मैचेस में कुछ करने का मौका नहीं मिला है। रिजवान यूसुफ जो कि आपके लिए गेम चेंजर पिक हो सकती है, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, 2019 ODD में आप देख सकते हैं विकेट कीपिंग कर रहे थे, और 37 साल इनकी एज है, 9 मैचेस में इन्होंने 234 रन, स्ट्राइक रेट 101 के रहा है, और हाईएस्ट स्कोर इनका 133 रहा है, 2 इनिंग्स में इन्होंने 539 रन दिए हैं, दो इनिंग्स में। एक मिनट में इनको करेक्ट कर लेता हूँ, 2019 T20 में आप देख सकते हैं मैच 4 खेले हैं, रन 77, स्ट्राइक रेट 140 का रहा है, हाईएस्ट स्कोर 49 का रहा है, बैट्समैन अच्छे हैं, आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आपको ओपनिंग या 2 डाउन तक में, 1 डाउन या 2 डाउन तक में मिल जाएंगे, रिजवान यूसुफ को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, विकेट कीपिंग करके दे सकते हैं। बात करें हमजा कैसर की, मोहम्मद अली की और मोहम्मद नईम की, तो इनका हमें बिल्कुल कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब हम चलते हैं टीम क्रिएट की ओर, तो मैं यहाँ पे एक डेमो टीम बना के रखा हूँ, अब बिल्कुल आपको मैं और एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि नासिर हुसैन आपको सिर्फ विकेट कीपिंग करके देंगे, इमाद खान का एडवांटेज रहेगा कि आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, यहाँ से अगर कोई ड्राइवर है तो यहाँ से आप इनको रिजवान यूसुफ को बिल्कुल GL में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से इमाद खान को फिलहाल के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हसनत अहमद आपको एक आधी ओवर बॉलिंग भी दे सकते हैं, 3 से 4 डाउन बल्लेबाजी करने आ जाएंगे। बात करें यासिर टुल्लू की, तो ये ओपन आएंगे और आपको विकेट कीपिंग भी दे सकते हैं, तो इनका ये एडवांटेज है। नावेद चौधरी आपको 4 से 5 डाउन मिलेंगे, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं,83% सिलेक्शन पर मत जाइएगा। बात करें शाहरुख नवाज की, ये ओपन आएंगे, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको दिखा है कि 2020 में इन्होंने 90 रन भी किए, ये एक बार अच्छा खिलाड़ी हो सकते हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ECC में इन्होंने खेल रखा है तो बहुत अच्छे खिलाड़ी साबित होते हैं। बात करें जनक आवास की, अगर ये खेलेंगे तो आपको 1 से 4 डाउन तक बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे, और 1 से 2 ओवर भी दे सकते हैं, गेम चेंजर पिक ये रहेगी। बात करें यहाँ से एम हुसैन की, तो कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, और फारूक खान का भी हमारे पास कोई स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। बात किए थे निसार अहमद की, जो कि आपके लिए गेम चेंजर पिक हो सकती है, ये भी विकेट कीपिंग करते हैं और ओपन आएंगे, तो GL में आप बिल्कुल इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं, 50 भी किए हुए हैं T10 में, और विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी इनके पास है, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। बात करें यहाँ से हसन अहमद की, तो ये भी ट्राइबल रहेंगे, ये भी अच्छे खिलाड़ी है, 3 से 4 डाउन आपको बल्लेबाजी करके देंगे, तो बहुत सारे गेम चेंजर पिक है यहाँ से। हसन अहमद और एन अहमद का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ओपन आएंगे, तो अभी फिलहाल के लिए मैं
हसन अहमद और या फिर जनक आवास किसी को एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। एंड चौधरी हसनत अहमद को भी आप ले सकते हैं बिल्कुल, अभी फिलहाल के लिए मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलफ सज्जाद को भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, बल्कि मैंने ए राजा इस्लाम को तो लिया ही है। साजिद खान आफरीदी अगर खेलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कलफ सज्जाद को ले लूँगा। और यहाँ से एफ नज़ीर अगर खेलेंगे तो मैं एफ नज़ीर को लूँगा, नहीं तो साजिद खान खेलेंगे तो इनको लूँगा। फिलहाल के लिए मैं मोहम्मद इमरान पर गया हूँ, जो कि दो ओवर की गेंदबाजी कन्फर्म देंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ से एफ नज़ीर को ले रहा हूँ। बाकी ये हमारी कभी फाइनल टीम नहीं होती। बी खान को मैं ले रहा हूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। बी एफ सबिर जो कि दो ओवर की गेंदबाजी देंगे। ए कैसर जो कि यंग प्लेयर है, कुछ खासा रिकॉर्ड है नहीं। इमरान नावेद या जे मोहम्मद, आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए देखिए जे मोहम्मद का क्या है, पहला और दूसरा ओवर करके चले जाएंगे। इमरान नावेद जो है मिडिल ऑर्डर में या एक ओवर डेथ में भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आई नावेद को ले रहा हूँ। बात करें यहाँ से कि कमरान की तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको मैंने बताया था सुखविंदर सिंह ये भी ट्राइबल रहेंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी है सुखविंदर सिंह, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। हसन इश्तियाक जो कि थोड़े बहुत अच्छे एक आधी ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे ट्राइबल रहेंगे। फिलहाल मैं इमरान नावेद को ले रहा हूँ, आप चाहे तो एफ सबिर की जगह सुखविंदर सिंह को भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए मेरी ये टीम है, मेरी कैप्टनसी गई है ए राजा इस्लाम को। आप वॉइस कैप्टनसी मैं सोच रहा हूँ जनकावास या तो सेफ जाते हुए यहाँ पर मैं कलफ सज्जाद के साथ अभी फ़िलहाल के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं टॉस होने के बाद और प्लेइंग 11 आने के बाद हमारी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पे, ये हमारी कभी फाइनल टीम नहीं होती, ये हमारी डेमो टीम है, बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा टॉस के बाद। तो अभी के लिए यहाँ पे ये हमारी टीम है, आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टॉप के कॉमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।